क्या बात है रागिनी, क्या हुआ? क्या हालत बना रखी है? कुछ तो बोलो। क्या बताओ यार, जिंदगी में ये दिन भी देखने को मिलेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा हुआ क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? अरे सुशांत, उसके दिन ब दिन बढ़ते नशे की लत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। पहले कभी कभार शादी में हमें नशा कर लेते थे, पर अब तो वो आदत सी बन गई है और स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कल तो उन्होंने नशे में मुझ पर हाथ भी उठा दिया। इसी नशे के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, हमारा तो मकान भी बिक चुका है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसों की तंगी हो गई है। हम सब का यही हाल है, जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ मैं। राकेश को 3 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेज कर भी देख लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब आंखों के सामने बर्बाद होते देख रही हूँ मैं। इस नशे ने जिंदगी को बद से बदतर बना दिया है। कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते हैं, नहीं। लेकिन फिर बच्चों की तरफ देखती हूँ और चुपचाप बैठ जाती हूँ। अब तो रिश्तेदार भी मुंह मोड़ने लगे हैं, पता नहीं कब इस नशे से छुटकारा मिलेगा। अरे वो मीना है ना? हाँ। उसके पति भी तो नशा करते थे? हाँ, लेकिन उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। क्या? हाँ, हाँ। उन्होंने नया कार भी खरीद लिया है। अच्छा? और सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने अपना खुद का घर भी खरीद लिया है। क्या? अरे वाह। सीमा, मीना से पूछते हैं ना ये सब बदलाव कैसे आया। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, अभी सुनो। हाँ बोल। हाँ ठीक। कैसी हो मीना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? बस ठीक है, ठीक है। बैठो ना। हाँ हाँ। मीना, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो ना। मीना, भाई साहब तो पहले बहुत शराब पीते थे ना, और तुम्हें मारते पीटते भी थे। हमने सुना है कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। हाँ। ये सब बदलाव कैसे आया मीना? क्या सच में उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया? अब वो कभी मारते पीटते भी नहीं है? कहते हैं कि आदमी जीना छोड़ देता है पर नशा नहीं छोड़ता, ये सब कैसे हुआ? मीना, ये ऐसी कौन से जादुई दवा मिल गई तुझे? हमें भी बताओ ना। हाँ बताओ ना। हाँ सब बताती हूँ। दरअसल मैं भी सभी की तरह मेरे पति का नशा छुड़ाने के लिए हर जगह गई, नशा मुक्ति केंद्र, तांत्रिकों के पास, डॉक्टरों के पास, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे भैया ने मुझे बताया कि टीवी पे एक संत आते हैं, संत रामपाल जी महाराज। और कमाल की बात तो उन्होंने मुझे ये बताई कि जो भी उनसे नाम दीक्षा ले लेता है वो पहले दिन से ही नशा छोड़ देता है। ये सब बहुत असंभवनीय लगता है हमें। हाँ। हमने भी एक बाबा की मदद ली थी। अच्छा? लेकिन कर्म कांड में इतना पैसा लगा और हाथ में कुछ भी नहीं आया। हाँ। और क्या? बिल्कुल, मैं भी मेरे भैया पर ऐसे ही हंसी थी कि कहाँ मुझे इन बाबाओं के चक्कर में डाल रहे हो भाई, मैं पहले ही बहुत पैसा लुटा चुकी हूँ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि यही तो सबसे खास बात है कि ये संत कोई पैसा ही नहीं लेते, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना कोई दवाई देते और ना ही कोई झाड़ा लगाते हैं। तो फिर? मेरे भाई ने कहा कि वो केवल पूर्ण परमात्मा की सही भक्ति का मार्ग बताते हैं और गारंटी देते अच्छा? हैं कि नशा ही नहीं बल्कि अन्य सारी बीमारियां भी तुरंत ठीक हो जाती है। अच्छा? और फिर उन्होंने मुझे पहले उनका सत्संग सुनने के लिए कहा। ओह। मेरे भैया के कहने पर मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और टीवी पर आए हुए नंबर पर फोन करके तुरंत निशुल्क एक पुस्तक मंगाई। निशुल्क? हाँ निशुल्क, एकदम फ्री, जीने की राह ये पुस्तक मंगाई। उसे पढ़ने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए।
मेरे पति ने जब सत्संग और पुस्तक को समझा तो तुरंत उनका नाम लेने के लिए राजी हो गए। क्या बात है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस दिन से लेकर आज तक नशा करना तो दूर, उन्होंने नशे को हाथ तक नहीं लगाया है। मीना तो सच्ची बोल रही है ना? हाँ जी बहन जी, मीना बिल्कुल सही कह रही है। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तब से मैंने सब नशा छोड़ दी। क्या बात है। और मैं अकेला ही नहीं, लाखों लोगों ने उनसे जुड़कर नशा त्याग दिया है। क्या बात है। अब नशा करना छोड़ो, उसे हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। अरे वाह, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आपने तो हमारी सारी टेंशन ही दूर कर दी। सच में हमारी आशा बढ़ गई है आपकी बातें सुनकर। हाँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा नहीं बहन, सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने नशा मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है। आप सब भी इसका लाभ उठाइए और औरों को भी बताइए। जरूर जरूर। बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। अब सच होगा सबका सपना, नशा मुक्त होगा भारत अपना। भारत में हर वर्ष लाखों लोगों को नशे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। सैकड़ों नशा मुक्ति योजनाओं के बावजूद सरकार नशा मुक्त समाज करने में विफल रही, लेकिन नशा मुक्त भारत के सपने को साकार कर रहे संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए नशा मुक्त करके समाज सुधार की एक अनोखी मिसाल पेश की है। अगर आप भी नशा मुक्त भारत के सपने को साकार हुए देखना चाहते हो तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और पाइए जीने की राह पुस्तक निःशुल्क, या फिर अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें और संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन देखिए इन चैनलों पर।